हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम दो डिजिट का स्क्वायर निकालने की कैसी जबरदस्त ट्रिक करने वाले हैं कि जिसको सुनकर, जिसको समझकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ के बिना नहीं रह पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत होगी कि एक्चुअली दो डिजिट का जो भी सबसे बड़े से बड़ा स्क्वायर आप निकालेंगे, आप नोटिस करेंगे कि उसका जो स्क्वायर है, उसका जो रिजल्ट है, वो सिर्फ चार डिजिट तक का ही आता है। इसी की हम हेल्प लेने वाले हैं और अपनी जो ट्रिक है उसको स्टार्ट करने के लिए हम नंबर जो है 50 के अराउंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो ट्रिक है वो 50 पर ही डिपेंड करती है। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 56 का स्क्वायर ट्राई करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है भाई, ये चार डिजिट का रिजल्ट देगा। ओके, सो अब मेरे को ये बताइए कि 56 50 से कितना ज़्यादा है। हमें 50 के अकॉर्डिंग जो है वो सोचना है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 50 के अराउंड चलेंगे, है ना। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है भाई, 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो जो पहली दो डिजिट है, लेफ्ट वाली जो दो डिजिट्स हैं, वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, 25 में वो एक्स्ट्रा जोड़ना है कि वो 50 से कितना ज्यादा है भाई, 6 ज्यादा है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट की दो डिजिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, कितना ज्यादा है 50 से, 6 ज्यादा है, तो उस 6 का स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। कितना आ गया, 36 आ गया, यानी कि जो 56 का स्क्वायर का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3136। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, 56 मल्टीप्लाई 56, ये देखिए 3136। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 57 ट्राई कर लेते हैं। चलिए तो 57 के लिए अब आपको कैसे सोचना है कि भाई 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, है ना। तो आप 7 को किस में जोड़ोगे, 25 में जोड़ोगे, तो 25 और 7 कितने हो गए, 32 हो गए। और कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो ये आ गया 57 का स्क्वायर। तो देखते हैं 57 मल्टीप्लाई 57, ये देखिए कितना आ गया, 3249। तो चलिए एक आंसर मुझे बताइए, 53 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि भाई देखिए कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे, 50 से, है ना। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो यहां कितना आ गया, 28 आ गया। अब आप कहेंगे भाई 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो आप यहाँ पर 9 रख देंगे जो कि गलत हो जाएगा। अभी आपको क्या बताया था भाई, 4 डिजिट के अकॉर्डिंगली सोचना है, है ना। तो यहाँ पर आप 9 नहीं 09 लिखेंगे, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 53 मल्टीप्लाई 53 कितना आ गया, 2809, है ना। तो चलिए अब 50 से ज्यादा की बजाय 50 से कम के अकॉर्डिंगली सोचते हैं। मान लीजिए 44 का स्क्वायर हमें ट्राई करना है। तो आप कैसे सोचेंगे भाई, 50 से कितना कम है, ये 50 से 6 कम है। तो हम अगर ज़्यादा होता था तो 25 में जोड़ते थे, अब ये कम है तो हम 25 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, गॉट इट। तो 50 में से कितना कम है, 6 कम है, तो 25 में से हम 6 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। और कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो देखते हैं 44 मल्टीप्लाई 44 कितना आ रहा है, देखिए 1936। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और कमेंट करना ना भूले कि भाई ट्रिक कैसी लगी आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और भाई नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, है ना। तो चलिए एक और ट्राई करते हैं। अब थोड़ा सा 50 और 40 की जो रेंज है उसको क्रॉस करते हैं। मान लीजिए हम 60 की रेंज में जाते हैं और 63 ट्राई करते हैं, ठीक है। सो 63 का स्क्वायर, अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है भाई, रिजल्ट तो चार डिजिट का ही आना है, ठीक है। तो 50 से कितना ज़्यादा है भाई, 13 ज़्यादा है, तो यानी कि 25 में आप कितना जोड़ोगे, 13 जोड़ोगे, तो 25 और 13 कितने हो गए, 38 हो गए, है ना। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है। अब इतने लगभग 25 तक के स्क्वायर तो हम ऑलरेडी 8th क्लास तक पढ़ ही चुके होते हैं, है ना। तो अब हमने क्या नोटिस किया भाई, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, लेकिन वो तो हमारे पास कितने डिजिट का आ गया, 3 डिजिट का आ गया, लेकिन फिल कितनी करनी थी, सिर्फ 2 डिजिट। तो यानी कि इस 1 को हम इस 8 के नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो यानी कि अब इन दोनों का जो एडिशन है जो कि कितना बना,
39, 69, ये 63 का स्क्वेयर हो गया है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखिए 63 मल्टीप्लाई 63, ये देखिए 39, 69 है ना। चलिए अब 38 ट्राई करते हैं, 38 स्क्वेयर। सो 50 से कितना कम है भाई, 50 से 12 कम है, यानी कि अब 25 में से क्या करेंगे, 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचा, 13 बचा है ना। अब 12 कम है 50 से, तो 12 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा भाई, 144 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1444। सो चलिए स्टार्ट ट्राई करते हैं 38, ये देखिए 1444। तो कैसे लगी आपको ये ट्रिक? अब ये जो ट्रिक है वो एक्चुअली हम 50 के अराउंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें 50 के अकॉर्डिंग सोचना है। लेकिन अगर कोई नंबर 100 के नज़दीक है, लाइक 98 या 89 या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 80 की लाइन होगी या 90 की लाइन होगी या 101 या मतलब 120 तक की कोई लाइन होगी, तो वैसे और भी हम आसपास जा सकते हैं, तो उसके लिए 100 से रिलेटेड भी एक ट्रिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि भैया आपको ये ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू।